सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी हम लोग आए जोगेश्वरी केव, और अगर आप ऐसे इसको देखोगे तो ये बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये अंदर से बहुत बड़ा है। और सबसे खास बात ये है कि ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट केव टेम्पल है, और ये अंदर से बहुत खूबसूरत है। सो गाइज, ये जो केव्स है ना, ये पांडवास ने बनाया था 1500 साल पहले, और वो जब उनका वनवास था तो वो यहाँ पर ही रह रहे थे। और अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे गणपति बप्पा के दर्शन करने को, और उनसे हम ब्लेसिंग लेंगे। और क्योंकि सबसे पहले हम कभी भी कोई मंदिर विजिट करते हैं तो सबसे पहले गणपति बप्पा की पूजा करनी चाहिए, इसलिए हम गणपति बप्पा के पास जाएंगे। सो गाइज, अभी हम लोग आए शंकर भगवान के मंदिर में। सो पहले शंकर भगवान ने वरदान दिया था गणपति बप्पा को कि पहले उनकी पूजा होगी और फिर बाद में दूसरे भगवान की। सो अभी हम लोग आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं कि शिव जी का रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है। सो हम शूट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है, और ये शायद बहुत कम लोगों को पता है कि जोगेश्वरी का नाम जो है ना, यहाँ पे एक देवी माँ का मंदिर है, तो देवी माँ का नाम योगेश्वरी माता जी है, तो उनके नाम से जोगेश्वरी नाम रखा है। सो गाइस, लेफ्ट साइड में ना शंकर भगवान का मंदिर है। सो अगर आप आओगे तो आपको ना हनुमान जी का मंदिर नहीं मिलेगा, तो आपको सिर्फ राइट साइड में यहाँ से स्ट्रेट जाना है, और अंदर है ऐसा थोड़ा हिडन और छुपा छुपा है, तो यहाँ पे है। तो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से शायद कोई से रास्ता है जो डायरेक्ट महाकाली केव से निकलता है, कहीं तो सीक्रेट जगह पे है, और लाइक 2 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर है हनुमान जी का मंदिर। So guys, ऐसा कहा जाता है कि ये जो एक एक मंदिर है ना, इनके जो स्थान है वो मतलब बहुत कैलकुलेटेड करके मतलब ऐसा है। सो ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण द्वार के जो रक्षक है वो हनुमान जी है, इसीलिए उनका उनकी स्थापना यहाँ पर है, और गणपति जी है जो उनकी पूर्व दिशा में उनका स्थान स्थापित है, ताकि वो उस जगह के रक्षक है। सो ऐसे हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ रीज़न है। तो गाइज, ऐसा बोलते हैं कि ये जो जोगेश्वरी केव्स है और महाकाली केव्स है, वो कहीं ना यहाँ से एक सीक्रेट जगह है जो हमको 5 मिनट में यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हैं।